राहु महाराज। राहु महाराज। चार नंबर राहु का है। भीष्म सलोनी सुन रहे हो ना? यस बिल्कुल, मैम। गुड गुड। सलोनी नाम सुन रही हूँ। हाँ भाई, मुझे अपनी अटेंडेंस देते रहना दोनों। होती हाँ ये सो जाती है बीच बीच नहीं है ये, सुना रहे में। चार अभी नंबर तो राहु नींद का आती है। है आपने। चार नंबर राहु का अंक है, सबसे उदंड और सबसे शरारती नंबर है। चार नंबर वाले के अंदर ऐसी इतनी पावर होती है कि कोई ऐसे इंसान को एक बार उंगली दिखा देना तो जब तक ये उसकी उस उंगली को तोड़ नहीं देंगे ना, चैन से नहीं बैठेंगे। अगर ये क्या कोई बात है। इनको एक बार आंख दिखा दे तो बस, भैया तूने मुझे आंख दिखाई क्यों है, पूरी तरह से पहल शरारत। करते नहीं, बाद में छोड़ते नहीं। हाँ, शरारत, शरारत भरा दिमाग, बदमाशी, उत्पात मचाने वाले बच्चे होते हैं चार नंबर वाले। खुराफाती दिमाग, कुछ ना कुछ करते रहना। एक बार सारी कोई घड़ी रख दो इलेक्ट्रॉनिक, उनके आगे खोल कर बैठेंगे, जब तक खोल के एक एक पेज इधर से उधर नहीं कर देंगे, इनको चैन नहीं आता। इनको जितनी बार मना कर गुन्ने दो रुकेंगे नहीं, ऐसे बच्चे होते हैं चार नंबर वाले। अरे गुन्ने घुन्ने तो खैर नहीं होते, मुंह पर जवाब देने वाले होते हैं। प्रैक्टिकली होती है मैम, हाँ, प्रैक्टिकल होते हैं प्रैक्टिकली होती है मैम। बिल्कुल। इन्हें बस ना सफलता चाहिए। अब ये नहीं इन्हें समझते कि सफलता हमें कहाँ से चाहिए, बस साम दाम दंड भेद, इनको सही या गलत रास्ते से इनको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इनको कोई रास्ता नहीं समझ में आता, इन्हें जितना मर्जी कह दो कि ये गलत है तो कहेंगे बताओ गलत क्या, प्रूफ करो पहले गलती क्या है। पूरी ऐसे ऐसे जवाब होते हैं कि बस सामने वाला खुद जबान बंद कर लेता है। टोपी घुमाने में माहिर चार नंबर वाली। और आजकल इमोशंस भी कम का, होते हैं इनमें, हाँ जी, इनमें इमोशंस कम होते हैं। हाँ, इमोशंस कम होते हैं, इमोशंस कम होते हैं, लेकिन ये रीजन समझते हैं ना कि कारण क्या है इमोशन, इमोशनल होने का। प्रैक्टिकल बनो ना, आगे बढ़ो, लड़ो। हाँ जुगाड़बाज होते हैं पूरे। आज के समय के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि लग्जरी सूट इनको कैसे कहीं से लेना है ये अच्छे से जानते हैं। सूर्य की तरह इनका तेज बहुत अच्छा है, सूर्य से इनकी लेकिन बनती नहीं है। राहु ऐसा नंबर है, ऐसा इंसान अचानक क्या कर जाएगा, अचानक क्या छल प्रपंच कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। चार नंबर वाले ऐसे भी होते हैं कि सामने वाले से जब बात करते हैं ना, तो सामने वाला चुपचाप सुनने बैठेगा, ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। कि राहु वाले इंसान को समझना बहुत मुश्किल है, ये सामने वाले कोई के तो समझ लिए। पाता होगा लेकिन हाँ, अगर सामने लाइफ जुपिटर, पार्टनर। जुपिटर और सन का नंबर आ जाए तो वो समझ लेगा इनको। नंबर अच्छा। कौन सा तेज है जिससे ये बात कर रहे हैं वो समझ लेगा। कि छल प्रपंच को समझने के लिए सूर्य जैसा तेज और जुपिटर जैसा ज्ञान और दिमाग बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। नाम रिपीट कर दो। कहाँ से रिपीट करूं बेटा? अभी आपने क्या बोला था, जब बिस्मन ने बोला था इन्हें समझता कौन है, वो वाली लाइन? हाँ, गुरु वाले को समझने, सॉरी राहु वाले को समझने के लिए एक नंबर चाहिए और साथ में तीन नंबर चाहिए, क्योंकि सूर्य का तेज ही राहु को समझ सकता है और जुपिटर का जो ज्ञान है वही राहु के इस छल प्रपंच छलिया को समझ सकता है। क्योंकि राहु जितना मर्जी शैतान हो जाए, कोई भी बच्चा जितना मर्जी शैतान हो जाए, अपने गुरु के सामने थोड़ी देर के लिए उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए चुप भी हो जाएगा। अच्छा, भले लास्ट सीट पे बैठा बैठा कुछ ना कुछ फेंकता रहे पीछे से, लेकिन जैसे ही उसको गुरु की नजर पड़ेगी वो वहीं वहीं खड़ा भी हो जाएगा कि मैंने तो सर कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ। जैसे हम ये नंबर निकालने के लिए वो देख रहे हैं, या तो मेन नंबर देख रहे हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ पे कितनी बारी ये नंबर आ रहा है वो देख रहे हैं, हाँ, तो और टोटल इसका करके नहीं देखेंगे? भाई टोटल तो डेस्टिनी तो मैंने सिखाया है ना आपको सबसे पहले, तो वो देखेंगे ना इसमें, बिल्कुल देखेंगे। तो मतलब फिर हर इंसान के तो दो तीन नंबर निकल जाएंगे ना। आपके पास सबसे पहले आप मेन नंबर देखो, मेन नंबर ज्यादा काम करेगा आपका। आपको मैंने उस दिन भी सिखाया था ना कि 1 से 31 जो हमारा मेन नंबर है वो बहुत ज्यादा काम करता है। जी आपको एक्सपीरियंस के साथ मैंने उस दिन भी एक दो चीजें शायद हम कुछ कर रहे थे, मैंने आपको समझाया भी था क्लास में। हाँ जी हाँ जी चार नंबर वाले की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि छल होती है ना, शराफत तो होती नहीं लोगों के अंदर। व्हाट्सएप पे बैठे हुए, उधर बैठे हुए क्या कर रहे हैं सामने वाले आपके जीवन साथी को पता ही नहीं चलेगा, कर क्या रहे हैं ये, क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। चार के साथ अगर नो आ जाए यानी कि मंगल आ जाए तो आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है, आतंकवादी तक बन जाता है ऐसा इंसान। चार के साथ अगर 9 आ जाए यस, वो कैसा आएगा? सपोज आपका फर्स्ट नंबर चार है, आपका डेस्टी नंबर नो आ गया,
अच्छा चार के साथ नौ आ गया ना। अब 13 वाला चार जो होता है वो थोड़ा सा शरारत कम करता है, कोई बताएगा रीजन? क्योंकि कौन से वाला चार कम शरारत करता है? 13 वाला चार, तीर का 13 वाला तीर चार क्यों कार्मिक नंबर है ना, एक नहीं क्योंकि सन और वो आ गया, जुपिटर आ गया। यस, यहाँ पे हम कार्मिक नंबर यानी कि पाइथागोरियन की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ वैदिक को वैदिक से ही देखेंगे। सूर्य मैंने अभी पहले ही बताया, सूर्य आ गया, गुरु आ गया, तो थोड़ा सा इसकी जो शरारत है कम हो जाएगी। शरारत तो करेगा क्योंकि सोच लेगा यार कहीं मार ना पड़ जाए, कहीं राहु सूर्य यानी कि राजा की कोई सजा ना मिल जाए। यहाँ इसका छल थोड़ा सा कम हो जाता है। स्मार्ट स्मार्ट यस। 22 नंबर वाला चांद, ऐसा इंसान क्या वो करता तो है? भावुक रहेगा। हाँ, इसीलिए ज्यादा ना फालतू की वो क्या बोलते हैं जोखिम नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहु का काम है, तो जैसे ही लाइफ में आगे बढ़ेगा तो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करके भी जरूर दिखा देगा। अच्छा है बुरा? बढ़िया। अच्छा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की प्रधानता है ना, सोचेगा शरारत तो कम करेगा, सोच लेगा और अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता जाएगा। अब 31 वाला चार जो है बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग भी इसका अच्छा रहेगा, पढ़ा लिखा भी है। इनके अंदर से चार नंबर वाले के अंदर ना बदले की भावना बहुत होती है। अगर कोई ने एक बार छेड़ देना, जैसे मोहनजीत जी ने बोला कि अगर कोई ने एक बार छेड़ दे फिर चुप नहीं बैठते, कि वैसे खुद तो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी ना उत्तेजित हो जाते हैं, धैर्य नहीं होता इनमें। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। चार नंबर वाले को आप कौन सा बिजनेस बताएंगे? ईशु जी आपका पोस्टर तो बहुत अच्छा है पीछे, वाह कृष्ण का नहीं है। बहुत अबे अभी मुझे भी सिखा दो। पहले क्लास ले लो, ये देखो टीवी में आ गया है, वाह। चार नंबर वाले का बिजनेस बताओ। चुप ही रही हो तू तो। चार नंबर वाले का बिजनेस इतना पावरफुल रहेगा क्योंकि आइडियाज और ऐसे ऐसे काम कर जाएगा जो दूसरे नंबर वाले सोच भी नहीं सकते। इनके राइटिंग में ना बहुत जान होती है, इनके आइडियाज बहुत स्ट्रोंग होते हैं, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं। सामने वाले को एक बार बिठा लिया ना, खुद तो बोलते जाएंगे और सामने वाला ऐसे सुनेगा ना, जाने पता नहीं खो जाएगा इनके अंदर। अच्छे फिलोसफी, इनको फिलोसफीकार होते हैं अच्छे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये लोग अच्छे जा सकते हैं। डांस और म्यूजिक से इनको बहुत प्रेम होता है। ये किसी तरह की ना रूटीन की जॉब कम करते हैं ये घर से नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिक के कम बैठते हैं, इनकी नॉलेज बहुत गहरी होती है। पॉलिटिक्स में बहुत पाते क्योंकि राहु पॉलिटिक्स राजनीति का कारक है, राजनीति में सक्सेस पानी है तो चार नंबर यानी कि राहु का होना बहुत जरूरी है। फर्नीचर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, आर्किटेक्चर। हाँ आर्किटेक्चर में थोड़ा सा कला आ जाती है, तो थोड़ा सा 6 नंबर 3 नंबर जरूरी है। और क्या बोलने लगी थी, चार नंबर राहु के काम में पॉलिटिक्स आ गया। और बताओ कुछ बोलो आप, सॉफ्टवेयर का